आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। ठीक है, जो मिशन इंद्रधनुष है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एक तरह से, और हमारा सोशल टॉपिक है एक तरह से, सोशल या एक तरह से सामाजिक टॉपिक है। सो इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, और जितने भी गवर्नमेंट की रिसेंट स्कीम्स हैं उनको तो आपको प्रिपेयर कर ही लेना है हर हाल में। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बेसिक जो आपका नॉलेज है, जो जीके है, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। राइट, तो चीज़ों को हम लोग इसीलिए कवर कर रहे हैं यहाँ पे हर एक सेशन में, ताकि आप हर तरह से, हर तरह की चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा अगर नॉलेज होगा तो डेफिनेटली आप उसका रिप्लाई अच्छे से कर पाओगे। और जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उनको इसीलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप उन पर अच्छा बोल भी पाओ। राइट, तो इस वजह से आप इन टॉपिक्स को दो तीन बार जरूर देखा करिए, इनकी PDFs को बार बार देखा करिए। जब आप देखोगे डेफिनेटली आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। राइट, तो अब समझते हैं जरा। दो द गवर्नमेंट लॉन्च द इंटेंसिफाइड मिशन इन द धनुष 3.0 इन फेब्रुअरी 2021 विद अ व्यू टू एक्सटेंडिंग द रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन हु हैड मिस्ड इट ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक। ठीक है, अब ये समझ लो मिशन इन धनुष है क्या। मिशन इन धनुष क्या है, एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है, तो मिशन इन धनुष की शुरुआत 2014 में की गई थी। ठीक है, और दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये इसके अलग अलग लेवल पे इसको चलाया जा रहा है। तो जैसे अभी इसके 1.0 आया था, 2.0 आया है, फिर 3.0 आया, तो ये आपके अलग अलग लेवल पे इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मेनली आपको समझ लेना है मिशन इन धनुष है क्या। तो इसकी शुरुआत आप ध्यान रखोगे सितंबर, ये एक तरह से आपका जो है 2014 में, 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, और अभी जो 3.0 जो चल रहा है वो फरवरी में लॉन्च किया गया है। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBACIO टीयर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो। राइट, साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती है जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको 24/7 रिविजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर रोल करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है। राइट, तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10। राइट फ्रेंड्स, तो आप समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके मिशन इन धनुष के, टू रीच द अनरीच्ड पॉपुलेशन विद ऑल द अवेलेबल वैक्सीन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, UIP के अंतर्गत जितनी भी पॉपुलेशन है जो कि अनरीच्ड है, पॉपुलेशन जो कि वैक्सीन जिनको नहीं लगी उनके लिए है बेसिकली है, एंड देयर बाय एक्सेलरेट द फुल इम्यूनाइजेशन एंड कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, मतलब मिशन इन धनुष फोकस्ड किस पे है, चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट वुमेन पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इन पे फोकस है, और इनके इम्यूनाइजेशन के लिए ही इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ये इनका ऑब्जेक्टिव है, और सभी को इसके अंतर्गत लाना, सभी को इसके अंतर्गत कवर करना ही इसका टारगेट। राइट, beneficiaries from migration areas and remote areas would be targeted as they may have missed their vaccine doses during the pandemic. ठीक है, pandemic के दौरान जो है जो migration areas है या जो remote areas है, दूर दराज के इलाके हैं, उनको ही target करके इसको launch किया गया है 3.0 को, ताकि एक तरह से जो vaccine doses है वो सभी को लग जाए जिनको जो यहाँ पे pandemic के कारण, COVID-19 pandemic के कारण जिनको नहीं लग पाई। राइट,
इट विल फॉस्टर इंडिया मार्च टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक तरह से फॉस्टर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक तरह से ये जो अब स्कीम ये एक तरह से लॉन्च हुई है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है, ये हेल्प करेगा. सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स में ह्यूमन वेलफेयर भी आता है, ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत ये है जो है यहाँ पे आएगा, राइट. अब बात करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है. ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा. यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी. 1978 में जो है आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था. एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इसके अंतर्गत इसको ये कंडक्ट कराया जाता है. इन 1985 द प्रोग्राम ऑफ मॉडिफाइड है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. ठीक है, अब शुरुआत इसकी 1978 में हुई थी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में, लेकिन इसका नाम कब चेंज किया गया, UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब किया गया, इसको 1985 में 1985 में किया गया. ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो इजीली, राइट. अब क्यों किया गया, टू एक्सेलरेट द कवरेज मिशन इन द न्यूज वॉज इन विजन. अब इसकी कवरेज को, यानी जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसकी कवरेज को बढ़ाने के लिए ही क्या किया गया, मिशन इंद्रधनुष को इन्विजन किया गया, एक तरह से इसका कॉन्सेप्ट लाया गया. एंड इम्प्लीमेंटेड टू रेपिडली इंक्रीज द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज टू 90%, मतलब 90% तक फुल कवरेज हो जाए, इस वजह से इसको लाया गया है मिशन इंद्रधनुष को, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को ही एक्सटेंड करने के लिए मिशन इंद्रधनुष लाया गया, राइट. तो इसको यहाँ पे आप बता सकते हो. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को आप मिशन इंद्रधनुष से भी कनेक्ट करके बोल सकते हो, राइट. तो मेनली यहाँ पे रैपिड इंक्रीजिंग इम्यूनाइजेशन कवरेज, जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है उसको इंक्रीज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है. इसके अलावा इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है उसको इंक्रीज करना, उसको और बेहतर बनाना. साथ ही साथ इस्टेब्लिशिंग अ रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम टू हेल्थ फैसिलिटी लेवल. ठीक है, यानी एक रिलायबल चेन सिस्टम बना देना जिसके थ्रू क्या है हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके. इसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग अ डिस्ट्रिक्ट वाइज सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट वाइज सिस्टम बनाना जिसके थ्रू क्या है जो परफॉर्मेंस है उसको भी क्या किया जा सके, परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सके कि क्या परफॉर्मेंस रही, क्या किस तरह से काम हुआ, राइट. इसके अलावा अचीविंग सेल्फ सफिशियंसी इन वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन में भी सेल्फ सफिशियंसी लाना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, राइट. तो यहाँ पे आप इसके बारे में इस तरह से बता सकते हो इजिली, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल पॉइंट्स यू कैन इजिली रिमेंबर, राइट. नाउ मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड कुछ चीजें समझते हैं, इसको क्यों लॉन्च किया गया, किस लिए लॉन्च किया गया, टू फुली इम्यूनाइज मोर देन 89 लाख चिल्ड्रन हु आर आइदर अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड अंडर UIP. ठीक है, मतलब 89 लाख चिल्ड्रन जो बेसिकली अनवैक्सीनेटेड है या फिर पार्शली वैक्सीनेटेड है उनको इम्यूनाइज करने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी, राइट. यहाँ पे बता सकते हो टारगेट चिल्ड्रन कवर 2 ईयर्स ऑफ एज एंड प्रेगनेंट वुमेन फॉर इम्यूनाइजेशन. जो टारगेट चिल्ड्रन है वो 2 ईयर्स ऑफ एज यानी 2 साल तक के बच्चे और प्रेगनेंट वुमेन को यहाँ पे कवर किया गया. इसके अलावा प्रोवाइड्स वैक्सीनेशन अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंशन डिजीज. ठीक है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज जो है 12 उनके अगेंस्ट यहाँ पे जो है ये वैक्सीन लगेंगी, जैसे डिप्थोरिया है, वूपिंग कफ है, टिटनेस है, पोलियो है, ट्यूबरक्लोसिस, TB, हेपेटाइटिस बी, इसके अलावा मेलेंगाइटिस एंड न्यूमोनिया. ठीक है, हेमोफीलियस, इन्फ्लुएंजा, Type B इन्फेक्शन, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, रेटो वायरस वैक्सीन और न्यूमोको कोकल कंजुगेट वैक्सीन एंड मिजल्स रुबेला. ठीक है, ये जो है ये वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, इनके अगेंस्ट बेसिकली मिशन इंद्रधनुष को लाया गया था. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप ध्यान रख सकते हो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज जो है उनको उनके अगेंस्ट इस वैक्सीन को कवर किया गया, राइट. अवर वैक्सीनेशन अगेंस्ट जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड हेमोफीलियस इन्फ्लुएंजा Type B बीइंग प्रोवाइडेड इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, मतलब ये जो वैक्सीन्स हैं जो कि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस या फिर हेमोफीलियस इन्फ्लुएंजा Type B जो है इसको सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ही प्रोवाइड की जा रही है. इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट. और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से ले जाके ज्वाइन कर सकते हो. इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा.
वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।